जोहान्सबर्ग समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार पर भारत का पक्ष रखा, साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ाने और मंच की प्रासंगिकता को भविष्य के लिहाज से बनाए रखने के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं। इस दौरान पीएम ने भारत के मिशन मून में विश्व के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि बताई। इस ब्रिक्स समिट के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है, तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।